आवाज आ रही है सभी को। यस सर। कल जो हमने वो देखे थे फॉर्मूले, तो उस पर एक क्वेश्चन लिखो, फटाफट करके बताओ। रूट ऑफ 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फटाफट पूर्ण वर्ग बनाओ। हो गया। यस सर। तो किसका पूर्ण वर्ग बना? 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर, एक्स पूर्ण माइनस 7/2। वर्ग बन गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला था एक्स बाय टू की यस जगह सर। लगाया था एक्स माइनस 7/2 बाय टू, एक्स बाय टू। रूट रूट में तो वही आएगा जो ये है, या तो यस ये सर। लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। नॉर्मली अपन यही लिखेंगे, बस ए स्क्वायर बाय टू। ए स्क्वायर 9/4 है, तो 9/8 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन टू भी करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स माइनस 7/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। टू से टू नहीं, यस एंसर सर। करने के बाद में कट जाए, बस बस यही छोड़ दो। अभी 2x-7/4 हो अच्छा जाएगा अच्छा यहाँ पर, ये इधर भी 2x-7 और 2 कट जाएगा बाय 3। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि वो जो हमने लास्ट में तीन फॉर्मूले देखे हैं, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूले का उपयोग हो जाए। ठीक है, अब अगला फॉर्म कौन सा है? नंबर 13 13 13। 13। तो 13 वाला जो है वो ये हो जाएगा फॉर्म 13। बहुत इजी है, इसमें कोई नई बात नहीं देख रहे अपन। और ये है इंटीग्रल dx प्लस q रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ऐसा कई बार देखे हैं अपन ने, देखा था रैखिक अपॉन द्विघात, रैखिक अपॉन रूट के अंदर द्विघात, अब है रैखिक गुणा रूट में द्विघात। यस सर। जो पहले किया था वही यहाँ पर भी करना है। और पहले क्या किया था आपको मालूम है, dx प्लस q इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। तो बस उसके आगे अपने आप हो जाएगा सॉल्व। ये जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल x प्लस 1 dx
root of 1 minus x minus x square dx. तो इसको करने के लिए अपन ने क्या रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इसका अवकलन माइनस 1 माइनस 2x प्लस म्यू, तुलना कर दिया 1 बराबर माइनस 2 लैम्डा और 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ से लैम्डा आ गया माइनस 1 बाय 2 और म्यू आ गया यहाँ से 1 बाय 2 यानी कि 1 बाय 2 तो आई इक्वल टू एक्स प्लस 1 के स्थान पे रख रहा यानी माइनस 1 माइनस 2x इनटू लैम्डा था अपना माइनस 1 बाय 2 ठीक है प्लस म्यू प्लस 1 बाय 2 तो ये जो है ये दोनों के साथ गुणा होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इनटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसका अवकलन ये लिखा हुआ है ठीक है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 by 3 1 by 2 root x 1 by 2 क्या 2 by 3 होगा x की पावर 3 by 2 yes sir ये बढ़ जाएगा अब ये इसको तो वही परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है अपने को तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 जगह 5 बाय 4 माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय 4 तो यह जगह रूट 5 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर चेक कर लो एक बार में तो इधर 5 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 सही है डीएक्स। अब इसमें वही सूत्र लगा देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय 3 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 होता है x बाय 2 x प्लस 1 बाय 2 बाय 2 इनटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर क्या जाएगा ये जो 1 बाय 2 है दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा फिर होता a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर यानी 5 बाय 4 बाय 2 यानी ये वही वाला तो 16 और साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2 बाय 2 प्लस सी सर आपने एक ही जगह पर बस 2 ही रखा है कौन सा है लास्ट में साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए ओके रूट 5 भी है ना रूट 5 बाय
डन सर। मान लो कि क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स रूट वन प्लस एक्स ऑन वन माइनस एक्स एक्स करेंगे सबसे पहले कोई बताएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करें? रूट वन प्लस एक्स बाय वन माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे पहले। सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। यस सर। रूट एक्स प्लस वन से गुणा भाग करो तो ऊपर तो रूट से फ्री हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझे? यस सर। अब इनको सेपरेट करो, इसमें तो फिर वो उपयोग भी नहीं हुआ जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना? यस सर। अब ये आप कर जरूर सकते हो इसको, ये रैखिक अपन द्विघाती के इसको टी मान लेंगे तो, और प्लस ये आएगा ये एक्स स्क्वायर है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें अच्छा होगा 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 उसका उपयोग होगा आगे जाके होगा। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। अब ये एक्स डी एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर देते हैं पर को अलग अलग करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी रखते हैं तो हो जाएगा, ये हो गया डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल रूट वन माइनस एक्स। बात आ गई समझ में? इसका इंटीग्रेशन क्या है? जब मैं इसमें इसको t रखूंगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो एक तो माइनस वन बाय टू डी टी और वन अपॉन रूट एक्स का क्या होगा टू रूट एक्स टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, और ये आएगा माइनस
x by 2 root 1 minus x square plus a square by 2 लेकिन बार माइनस है इसलिए माइनस a square by 2 1 by 2 root sin inverse x plus ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा root 1 minus x square plus 1 by 2 sin inverse x minus x by 2 root 1 minus x square plus देखा? यस सर। अब एक और फॉर्म देखेंगे और उस पर थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी मैं आपको दूसरे बार बहुत जरूरी है करना केवल सिंपल क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा अच्छे क्वेश्चन भी जरूरी है कल के क्वेश्चंस बन गए सारे पूरी शीट भेजी थी हो गए सब पूरे नहीं हो पाए थे कुछ बच गए लेकिन आ तो रहे ना आपको यस सर यस सर दो तीन में डाउट है आप अभी पूछना है तो पूछ लो चाहो तो सर कल पूरी सॉल्व करके पूछ लेंगे एक साथ हाँ ठीक है ऐसा कर लो बिजनेस बॉक्स में कोई डाउट नो सर वैसे तो ये करते जाओगे और अपने वाली शीट करते जाओगे तो उसमें डाउट आएंगे फॉर्म यस सर 14 अग्नि कैसा वाला फॉर्म है तो समझ लो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx या केवल ऐसे ही आ जाए x टू द पावर 4 प्लस 1 या फिर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन या माइनस भी हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ रहा इस तरीके के जब आ जाएंगे ना तो उसमें क्या करना होता है ये बात ध्यान रखना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर से भाग लगाते हैं बात आ रही है समझ में यस सर अब यहाँ बहुत सारा नहीं लिखा यहाँ माइनस भी हो सकता है ठीक है तो भी करने का तरीका यही रहेगा पहली बार ध्यान रखना है कि अंश व हर दोनों में ही एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे अब मैं एक प्रश्न से आपको समझाता हूँ फिर आपको ही करने रहेंगे एक प्रश्न और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं इसमें वो आपको करने रहेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन मान लो कि ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर
प्लस वन डी एक्स। अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो होगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भाग लगा दिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। अब अगर ऊपर माइनस है तो जो नीचे लिखा है उसको प्लस में होल स्क्वायर बना, प्लस है तो माइनस में बना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटीग्रल आई का होल स्क्वायर। अब इसमें टू एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस टू लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x प्लस वन बाय x को t मान रहे हैं, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया। तो i इज इक्वल टू बन गया अपना डी टी अपॉन टी स्क्वायर, माइनस टू को लिख लो रूट टू का होल स्क्वायर। अभी अपना वो एक बटा द्विघात वाला फॉर्मूला लगेगा, वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए टी माइनस रूट टू अपॉन टी प्लस रूट टू। मैंने बोला है आपको कि बार बार उसको याद करना पड़ेगा, हो गया याद? यस सर, वो याद है। अभी रख दो एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस रूट टू x प्लस वन बाय x प्लस रूट टू प्लस c। तो पहली बात याद रखना है, उससे फिर ये प्रश्न होते जाएंगे। लिखा? नो सर। देखो फटाफट, अब जिन्होंने लिख लिया है वो ये प्रश्न करेंगे, इसके बाद में मैं और प्रश्न भी दूंगा आपको। प्रश्न है ये, यहाँ पर प्लस है, ये प्रश्न हल करना है, बताओ फटाफट। माइनस की जगह प्लस कर दिया,
गया क्या? हो गया? अच्छा यस सर। तो इसमें यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, ये प्लस है, ये माइनस का बनाना पड़ेगा। यस सर, प्लस टू। अब माइनस वाले को टी पुट करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बनेगा ये वाला, और फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, वन बाय ए यानी वन बाय रूट टू टैन इनवर्स टी अपॉन रूट टू। टी है अपना एक्स माइनस वन बाय एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी। ठीक है, यस सर। अब आज हम एक और फॉर्म देखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, देखते हैं। लेकिन पहले ही आप इतनी जल्दी कर पाते हो, इसमें अभी मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देने वाला हूँ, है ना। तो प्रिंस ऑडियो ऑन करना जरा। यस सर। कल बात है? कल आया था सर। मैं परसों सर डेली आ रहा हूँ। तुम डेली आ रहे हो? यस सर। चंचल ठाकुर ऑडियो ऑन करो। यस सर। आप तो रोज नहीं आ रहे हो लेकिन। यस सर। क्यों? यस सर, पिछले कुछ दिनों से सर हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों सर? कुछ प्रॉब्लम की वजह से सर, बट आज से सर डेली करेंगे सर। इसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो आपने बताई भी नहीं है, हैं? एक्चुअली सर हम सर बुआ जी के यहाँ गए थे सर हम कुछ दिनों के लिए। तो क्यों गए थे? तुम लोगों को समझ में नहीं आता ये बात? अभी रिश्तेदारी निभाने का समय क्या अपना? नो सर, अभी नहीं। भाभीनी ठाकुर ऑडियो ऑन करो। हाँ, आप क्यों नहीं आते रोज? यस सर, कल हमारा हेडेक हो रहा था। अभी तुम्हारे इतनी जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें हेडेक होने लग गया? ये सब बहाने मेरे को मत बताना, समझ में आई बात? हेडेक ही हुआ था ना, और कुछ थोड़ी हुआ था। बीस साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, समझ में आ गई बात? 21वां साल चल रहा है ये, तो ये फालतू के बहाने बनाना मत, और हो हेडेक हो तो भी आना है, नहीं तो मैं कभी भी क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। एक दिन हेडेक हुआ, इतने दिन से हेडेक है तुम्हें? जवाब दो। जवाब दो। ऑडियो वीडियो ऑन करो जरा तुम्हारा। भाभी ने वीडियो ऑन करो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इससे पूछ रहा हूँ भाविनी से, ये क्या सोचते हैं कि अब हम जवाब नहीं देंगे तो फिर? हाँ, कर रहा वीडियो ऑन, ऑडियो भी ऑन करो। क्या लाइट नहीं है क्या वहां पर? भाविनी ठाकुर ऑडियो ऑन करो। यस सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतनी देर से पूछ रहा हूं मैं।
बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। चलिए तो अपन अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। दिख रहा है सबको? यस सर। इसका अपन ने पहला पार्ट कर लिया है, दूसरे से करना है, फर्स्ट के सेकंड से करना है आपको। इसको मैं शेयर भी कर रहा हूं, आप पहले सेकंड क्वेश्चन लिख लो। ये है सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस सर।
हो गया ये? यस सर। इसका आंसर आप देख सकते हो, वैसे तो इंटीग्रेट हो गया मतलब हो गया है ना, आंसर आ ही जाता है। यस सर। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही सेंड कर दिए ग्रुप पर। अब ये तीसरा, इसका तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन।
और हैं क्वेश्चंस? यस सर। कहां तक पहुंच गए? थर्ड फर्स्ट। आप चौथे वाले में, चौथा वाला इंटरेस्टिंग है। चौथे में वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन, जब पहुंच जाओ और ट्राई करने पहुंच गए। हाँ तो इसमें अब अपने को सोचना पड़ेगा, थोड़ी देर सोचो फिर मैं बताता हूँ। हाँ भाई, फोर्थ में जब आप एक्स बता दूं एंड यस सर, बस थोड़ा सा बचा होने वाला है। क्या किया तुमने बताओ मुझे। सर पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, फिर प्लस वन माइनस वन करके अब सॉल्व करते आ रहे हैं। हाँ लेकिन केवल उससे काम थोड़ी चलेगा। हाँ सर, वो डीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक बच रहा है। नहीं नहीं देखो, तुमने बोला एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और फिर प्लस वन माइनस वन बनेगा, है ना? लेकिन उससे क्या होगा, उससे एक वाला एक हिस्सा तो वही का वही बच जाएगा उसी तरह का। तो सुनो सब लोग, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, वो तो करना ही है। yes, तो ऊपर क्या आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, दो से गुणा भाग करो, तो इंटीग्रल के आगे लिखो एक बटा दो और ऊपर हो गया आपका दो बटा एक्स स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब इसमें प्लस वन माइनस वन करो तो क्या मिला, टू प्लस सॉरी वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बात आ गई समझ में? इतनी बात आई समझ में, प्लस वन माइनस वन करने तक? यस सर। अब जो टू बाय एक्स स्क्वायर है ना, उसको दो बार लिख लो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख लिया? यस सर। अब एक जो है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वो तो ऐसे रहने दो, बीच में लगाओ माइनस का चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर लिखो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सर बोर्ड पे बता दीजिए। अरे यार जी, समझ में नहीं आ रहा हिंदी? आ रहा है सर, आगे। सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आवाज कट रही है। अच्छा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो फिर बोर्ड पे बताने पे तो फिर सब दिख जाता ना यार, ये भी तो समस्या है। ठीक है मैं बोर्ड पे ही बता देता हूँ।
देखो मैंने क्या बोला आपको कि इसको ऐसे करो, इसके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है उदय से। उदय कुमार तो तुम वाईफाई वगैरह लगवाओ, तुम्हारे यहाँ हमेशा ही रहता है मैंने देखा। नो सर कभी कभी होता है। अरे हमेशा ही तुम्हारी आवाज नहीं आती कभी। देखो इधर ये बोला, अभी तो सुनाई दे रहा है तुम्हें, बोल रहे नेटवर्क प्रॉब्लम है, यही तो बोला था मैंने। कौन सी बड़ी चीज बोली थी? यस सर। अब इनको सेपरेट करो और ये दो प्रश्न बन गए आपके, पहले दो प्रश्न। समझ में आ गई बात? यस सर। करो आंसर दिया हुआ पहले से।
सर दूसरे के फर्स्ट में तो थोड़ा हिंट दे दीजिए। ओके सर।
ओके क्वेश्चन सर पूरा होने पे नंबर नहीं हो रहा कौन सा नहीं हो रहा ये जो सेकंड का फर्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये सबसे हो गया वो अलग क्वेश्चन यस सर अब लेकिन ये ध्यान रखना है जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या था रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा तो इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे सोचें कि पहले जैसे अभी टेन थीटा वाला कर लिया वैसे हम कॉट थीटा इंडिविजुअली अगर पूछता कॉट थीटा का तो वैसा ही करते लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना देखो इसके इसको कैसे करें साइन कॉस में बदलोगे आप इसको डी थीटा एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा रूट साइन थीटा कॉस थीटा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का अगर आपको याद हो इसमें टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले तो ऊपर रूट टू और लिख दिया रूट टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब इसमें प्लस वन माइनस वन कर दो वन माइनस तो वो साइन थीटा कॉस थीटा थीटा ये हो गया रूट टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ रही बात समझ में सर अब इसमें टी पुट कर दो इसको टी पुट कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी देयरफॉर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू रूट टू डी टी अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर तो ये अपना होता है साइन इनवर्स टी बाय ए ए वन है रूट टू साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये अपना आंसर होगा तो जैसे रूट टेन थीटा किया है अगर केवल रूट कॉट थीटा बोलते तो ऐसे ही कर लेते लेकिन क्या पूछा है रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं टफ क्वेश्चंस हैं ठीक है और ऐसा नहीं कि बाकी के क्वेश्चन केवल इसी प्रोफाइल पर है जो मैंने अभी बताया ये तो एक अलग तरीके से हो गया लेकिन अब तक जितना अपन ने पढ़ लिया है उन्हीं में से कोई एक चीज का उपयोग होगा आगे बात समझ में यस सर यस सर जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको सातवें नंबर का तो उससे क्या है कि आपका आठवां दसवां बारहवां तेरहवां ये सारे प्रश्न हो जाएंगे है ना
x minus 1 dx upon x plus 1 into root of x cube plus x square plus x, ये दे रखा है। तो अब इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, x plus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x plus 1 से ये हो गया x square minus 1 dx, ये हो गया x plus 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर तो ये ऐसे ही है, अभी तो x cube plus x square plus x। अब ऐसा कुछ करना है कि फिर जिसको t लेने पर ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। तो देखो क्या किया जाए ध्यान से। हाँ यहां से अपन ने अगर x स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट में क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस 1 बाय x, ये बन रहा है। हाँ ठीक है, यहां से मैंने रूट x कॉमन लिया, यहां से क्या कॉमन लिया था x, यहां से क्या कॉमन ले रहा हूँ रूट x। बाहर तो x और x x स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, यस सर, x प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। ऐसा आया। अब लेकिन अपन इसको टी मानेंगे, अपने को उसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर इसको अपन करते हैं, अगर इसको टी मानते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है। अच्छा ये वाला तो माइनस है ना, इसको टी मानते हैं तो, इसको टी मानते हैं तो बस। अरे वाह, हो गया हो गया, सोचना पड़ता है बहुत। देखो इसको बाहर लगा दो, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको खोलो, बनेगा x प्लस 1 बाय x प्लस 2, और ये हो गया रूट में x प्लस 1 बाय x प्लस 1। आया समझ में? पुट x प्लस 1 बाय x इक्वल टू t, ये बन गया dt अपॉन t प्लस 2 इंटू रूट ऑफ टी प्लस 1। हालांकि इसमें आगे भी अपने को करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ, फिर ये करके रखना। इसमें टी प्लस 1 को जेड स्क्वायर और मानते हैं, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, जितने हो जाए ठीक है, नहीं तो आप तो बिजनेस वर्क करना। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आगे के, ठीक है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस सर।